समोसा खाना तो सभी को पसंद है। आज मैं ब्रेड का समोसा बनाने जा रही हूँ। ये समोसा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। मैंने आलू को पहले से उबाल के रखा था। सारे आलू के छिलके को अच्छी तरह से छील लेंगे। सारे आलू के छिलके को मैंने अच्छी तरह से छील लिया है। मैंने आलू को भूनने के लिए एक प्याज, चार हरी मिर्च, लहसुन, अदरक लिया है। अब इसे अच्छी तरह से काट लेंगे। कड़ी पत्ता को भी काट लेंगे। अब एक कढ़ाई में तेल डालेंगे और उसमें जीरा डालेंगे, सरसों डालेंगे। जीरा और सरसों कड़कने लगे तो उसमें कूटे हुए लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को डाल देंगे। उसे अच्छी तरह से भून लेंगे। भुनने के बाद उसमें कटे हुए प्याज डालेंगे, उसे भी भुनेंगे। सभी चीज़ें अच्छी तरह से भुन जाए तो उसमें करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता पहले डालने से करी पत्ता जलने लगता है, इसीलिए इसे सबसे बाद में डालेंगे। अब इसमें हल्दी डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। सभी चीज़ें अच्छी तरह भुन जाए तो इसमें आलू को तोड़ कर डालेंगे। आलू को तोड़ कर डालने से आलू अच्छी तरह से भुन जाता है। मैंने सारे आलू को टुकड़े करके डाल दिया है। अब इसे भून लेंगे। आलू को भूनते जाएंगे और छोलने की मदद से उसे छोटे छोटे टुकड़े करते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने आलू को कितने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। इसे अब भून लेंगे। अब इसमें नमक अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे और फिर अच्छी तरह से भूनेंगे। भूनते भूनते ही सारे आलू को चोखा की तरह बना देंगे। देखिए ये चोखा की तरह बन गए हैं। अब गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल देंगे। आलू को तुरंत ठंडा करने के लिए प्लेट में चारों तरफ फैला देंगे और पंखा के नीचे रख देंगे, जिससे आलू तुरंत ही ठंडा हो जाएगा। आलू ठंडा हो गए हैं। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स आप अपने ब्रेड के साइज़ से बना सकते हैं। कुछ ब्रेड बड़े आते हैं, कुछ ब्रेड छोटे आते हैं। बड़े ब्रेड के लिए बड़े बॉल्स बनाइए, छोटे ब्रेड के लिए छोटे बॉल्स बनाइए। मैंने सारे आलू के बॉल्स बना लिए हैं। अब एक बर्तन में थोड़ा पानी लेंगे, उसमें एक ब्रेड को पानी से भिगो देंगे और पानी को अच्छी तरह से निचोड़ देंगे। देखिए मैंने किस तरह से निचोड़ रहे हूँ। मैंने ब्रेड के सारे पानी को निकाल दिया है। अब एक बॉल लेंगे और ब्रेड के बीच में रखेंगे और चारों तरफ से ब्रेड से कवर कर देंगे। और कवर करने के बाद उसे अच्छी तरह से दबा दबा करके पैक करेंगे। अब ब्रेड को दबा दबा कर एक बॉल बना लेंगे। देखिए आप कितनी अच्छी तरह से बॉल बन गए हैं। दूसरा बॉल्स भी मैं बना करके दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं ब्रेड को पहले पानी में भिगोया, फिर उसके पानी को निचोड़ा। पानी निचोड़ने के बाद अब उसमें एक बॉल डालेंगे। बॉल डालने के बाद पहले की तरह ही चारों तरफ से ब्रेड से बॉल को कवर करेंगे और अच्छी तरह से दबाएंगे। दबाने से ही होगा कि बॉल फटेगा नहीं। तेल में डालने के बाद उसको खूब जितना हो सके उसे दबाना है और पूरे अच्छी तरह से पैक करना है। सारे बॉल्स को मैंने बना करके रख लिया है। मैंने तेल गर्म होने के लिए पहले से चढ़ा दिया था। अब इसमें बॉल्स को डालेंगे। मैंने पहले तीन ही बॉल डाला था, फिर मैंने देखा कि थोड़ा खाली जगह है तो इसमें एक बॉल्स और डाल दिया। सारे समोसा को हाई फ्लेम पर ही छानेंगे। चारों बॉल्स को मैं अलट पलट करके ब्राउन होने तक पकाएंगे। समोसा अच्छी तरह से पक गए हैं। अब इसे निकाल देते हैं।
सारे समोसा को इसी तरह से छान लेंगे। इसे भी अच्छी तरह से अलट पलट कर ब्राउन होने तक पकाएंगे। सारे समोसा बन करके तैयार हो गए हैं। अब इसे मैं सर्व कर देती हूँ। इसे आप धनिया पत्ती की चटनी, पुदीने की चटनी या टमाटो केचप के साथ खा सकते हैं। इसे मैं आपको काट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, अंदर से भी अच्छी तरह से पक गए हैं। देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं, ये जितने सुंदर दिख रहे हैं ये खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट हैं। इसे आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ये समोसा आपको भी पसंद आएगा। ये समोसा आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो लेके जा सकते हैं और बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं।